मेरे बहुत प्यारियो, प्रभु येसु मसीह दे नाम विच तुहाडा स्वागत करदा हां। मैं इस समय एक दरखत दे हेठां खड़ा हां। ये केड़ा दरखत है जानदे हो? जैतून दा दरखत है। असी वचन विच इस बारे पढ़दे हां ना कि तेरी मेज दे दुआले तेरे बच्चे जैतून दे पौद्यां वर्गे होणगे। इस दरखत उत्ते तुसी जैतून दा फल वेख सकदे हो। ये जो फल है इस चों तेल कढ़िया जांदा है ते ये तेल सारी दुनिया च इस्तेमाल कीता जांदा है। इस जैतून दे दरखत दी एक खासियत है कि इस दे पत्तियां विच, इस दी जड़ विच, इस दे हर हिस्से विच तेल भरिया हुंदा है ते इसे करके इस दरखत दी उम्र बहुत लंबी हुंदी है। ये जल्दी सुकदा नहीं है, झड़दा नहीं है, बड़ी देर तक रहिंदा है। एक वड्डी खासियत है इस दरखत दी। तेरे बच्चे इस दे वर्गे होणगे, इसका मतलब है हमेशा खुशहाल रहणगे, मतलब कि हमेशा बरकत पाउणगे, हमेशा बरकत दे नाल भरपूर रहणगे। अज तुहाडे लई प्रभु दा जो वचन है वह है जबूर 9:9। यहोवा सताए हुए दे लई एक उच्चा गढ़ होवेगा। हाँ, बिपता दे समय दे लई एक उच्चा गढ़। किसी ने निरादर किया है जां मुसीबत विच हो, जां जीवन च इस तरह की किसी होर मुसीबत का सामना कर रहे हो, कि ये कह रहे हो एक समय जिंदगी च बहुत उच्चे थां ते सी, लेकिन सब लोगों के सामने जिथे मैं सिर उठा के जी रहा सी, जिथे मैं एक चंगी जिंदगी जी रहा सी, उन्हां लोगों के सामने ही हुण सिर झुका के शर्मिंदा हो के निरादर वाली जिंदगी जी रहा हाँ। कि तुहाडे हालात बहुत ही ज़्यादा खराब हैं, तां परमेशर तुहाडे वास्ते सहारा है। अपने घर विच ही मुसीबत का सामना कर रहे हो, जिथे सेवा करते हो जां जिथे तुसीं काम करते हो उस जगह ते अपमानित किया गया है। तुहाडी जिंदगी दे हालात बिल्कुल ठीक नहीं हन, बहुत ज़्यादा परेशानी विच हो ते कई मुसीबतां दा सामना कर रहे हो, चारे पास्यों लोकां दे सताए हुए हो, चारे पास्यों बहुत दुखी हो, हर पास्यों मुसीबत है, बाहर निकलण दा कोई राह नहीं है। कि इसे परेशानी च हो, जिथे काम करते हो उत्थों किसे कोलों पैसा लिया है ते वह अपना पैसा वापस मंग रहे हन, बहुत सता रहे हन। मैं किसे दा पैसा वापस मोड़न दा वादा कीता सी, वह सता रहे हन। चारे पास्यों मुसीबत विच हो, ऐसे हालातों विच की करना है तुसी नहीं जानते हो, तां अज परमेश्वर ही तुहाडे लई पनाहगाह है। इन्हां औखे हालातों विच परमेश्वर नूं इह कहना है कि परमेश्वर तू ही मेरा आसरा है, हे प्रभु तू ही मेरा सहारा है, हे परमेश्वर तू ही मेरा शरण स्थान है। अज परमेश्वर दे सामने ये प्रार्थना करके वेखो ते अज ही परमेश्वर कोई राह खोलेगा, अज ही परमेश्वर कोई ना कोई अचरज काम करेगा। जिथे तुसी सोचिया भी नहीं है उथे प्रभु राह खोलेगा, जिथे कोई सहारा नहीं उथे मदद करेगा। मैं अपनी सेवकाई च ये बहुत वार हुंदे वेख्या है। ये मुसीबत खड़ी हो गई है, हुण की करिए, ये परेशानी खड़ी हो गई है, ये जरूरत आ गई है। जदों असी इस तरह सोच रहे हुंदे हां ते प्रार्थना कर रहे हुंदे हां तां प्रभु चमत्कार करदा है ते अचानक कित्यों कोई राह खोल दिंदा है। परमेश्वर ने बहुत वार इदां साडी मदद कीती है। उही परमेश्वर तुहानू कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तेरा सहारा हाँ, मैं ही तेरी पनाहगाह हाँ। तुहाडे संकट दे समय परमेश्वर तुहानू बचाउण लई तैयार है, वह तुहानू बचाउणा ते सुरक्षित रखना चाहुंदा है। सो अज प्रभु नू कहना है तू ही मेरी पनाहगाह है, तू ही मेरा रखवाला है, तू ही मेरा बचाउण वाला है। कि अज प्रभु अगे दुआ करोगे, हे परमेश्वर मेरे हालात ठीक नहीं हन, इन्हां हालातां च तू ही मेरा सहारा है, अज मैं संकट विच हाँ, तू ही मैनू इस संकट विचों बाहर कढ़ना है, अज तू मेरे जीवन विच एक अचरज काम कर, इस मुसीबत विचों ते इस परेशानी चों मैनू बाहर कढ़। येसु मसीह दे नाम विच अज मैं तेरे तो एक अचरज काम की उम्मीद करदा हाँ। येसु मसीह दे नाम विच ए प्रार्थना मंगदे हाँ पिता, आमीन आमीन।